नमस्कार, HBNN में आपका स्वागत है और अब देखिए खास खबर। पावई थाने में एक सनसनीखेज मामला हुआ है। 7 दिन पहले होशंगाबाद सांगाखेड़ा रोड पर ग्राम चांदला मोड़ के पास एक गड्ढे में अज्ञात शव मिला था। मृतक के गले में एक रस्सी बंधी हुई थी, जिससे मामला पहली नजर में हत्या प्रतीत हो रहा था। पुलिस ने लाश बरामद की, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने 18 दिसंबर को बावई कब्रिस्तान में शव का कफन दफन करा दिया। बाद में बावई थाना प्रभारी आशीष सिंह पवार ने CCTNS आधुनिक तकनीक से मृतक से मिलते जुलते हुलिये को तलाशा। इस हुलिये का एक व्यक्ति बीना थाने में गुमनसान के रूप में मिला। अज्ञात मृतक विजय पिता परशुराम मेघवानी, उम्र 38 वर्ष, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बीना का था। इसकी शिनाख्त मृतक की पत्नी मेघा मेघवानी और भाई श्रीचंद मेघवानी ने भी की। 22 दिसंबर को कफन निकलवाया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस के सामने अब हत्या का मामला था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। आइए आपको बताते हैं हत्या की पूरी कहानी। मृतक का बीना में मकान है और वह जनरल स्टोर चलाता था। करीब तीन चार साल पहले उसके मकान में मनमोहन तिवारी रहने आया था। उसके साथ उसकी पत्नी पूनम तिवारी थी। दोनों किराए से यहाँ रहने लगे। पहले दोनों मकान मालिक और किराएदार के परिवार में मधुर संबंध थे, परंतु बाद में मृतक पूनम तिवारी को परेशान करने लगा। कुछ दिन बाद मनमोहन तिवारी का ट्रांसफर सीहोर हो गया। इसके बाद मनमोहन तिवारी ने अपनी पत्नी तथा 5 वर्षीय बच्चे को अपनी ससुराल बीकोर बावई में छोड़ दिया। सीहोर में अपना काम शुरू करने के बाद इधर उसकी पत्नी बीकोर में ही रहने लगी। मृतक विजय मेघवानी ने मोबाइल पर पूनम तिवारी को लगातार परेशान करना जारी रखा और मिलने के लिए दबाव बनाने लगा। जब पूनम तिवारी बुरी तरह से तंग आ गई तो उसने ये बात अपने पिता राजेश श्रोती और भाई अमित श्रोती को बताई। यह जानकर राजेश और उसके भाई आग बबूला हो गए। उन्होंने विजय को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। इसके बाद पूनम से फ़ोन कराकर उसे होशंगाबाद बुलाया। 15 दिसंबर को विजय बस से होशंगाबाद आया। यहाँ से उसे मालाखेड़ी के पास सुनसान रोड पर बुलवाया गया। सुनसान रोड पर राजेश और अमित ने उसके साथ मारपीट की और उसे नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद उसे बाइक पर बैठाल कर चांदला मोड़ लेकर चले गए और यहाँ रस्सी से उसका गला घोंट दिया। आरोपियों ने मृतक को जलाने का प्रयास भी किया, लेकिन बारिश होने के बाद माचिस नहीं जल सकी, इसलिए उसे नहीं जलाया। आरोपियों ने मृतक का मोबाइल तोड़कर तवा नदी में फेंक दिया था और मृतक के पास रखे 4,000 रुपये लेकर चले गए। आवाम नगर में बनी कॉलोनी के लोगों ने आज एक ज्ञापन विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा को सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि उन्हें मेहरवान सिंह चौहान ने प्लाट बेचे थे। नगर पालिका इन प्लाटों पर नक्शे नहीं बना रही है और ना ही कोई विकास कार्य किया जा रहा है। ना यहाँ सड़कें हैं, ना स्ट्रीट लाइट हैं, ना पीने का पानी है। बारिश के दिनों में तो पानी जमा हो जाता है, जिससे घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। मेहरवान ने अवैध रूप से प्लाट काट कर बेच दिए हैं, जिससे परेशानी हो रही है। चाणक्य कप क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत आज 6 मैच खेले गए। इसमें पहला मैच बंशकार बंधु और सिडनी सिक्सर क्लब के बीच खेला गया। सिडनी सिक्सर ने यह मैच 8 विकेट से जीता। दूसरा मैच शिरोमणि क्लब और BCC क्लब के बीच खेला गया। यह मैच BCC क्लब ने 44 रनों से जीता। तीसरा मैच बिल्स क्लब और किंग्स 11 के बीच खेला गया। यह मैच 39 रनों से बिल्स क्लब ने जीता। चौथा मैच इंडियन क्लब और भारतीय क्लब के बीच खेला गया। यह मैच भारतीय क्लब ने 30 रनों से जीता। पांचवा मैच बन्ना जी बॉयज और चाणक्य 11 के बीच खेला गया। यह मैच बन्ना जी बॉयज ने 5 विकेट से जीता। छठवां मैच वाल्मीकि क्लब और अखंड भारत निर्माता क्लब के बीच खेला गया। यह मैच अखंड भारत निर्माता टीम ने 8 विकेट से जीता। तो बने रहिए हमारे चैनल HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें।